हेलो दोस्तों, मैं कविता कविताज किचन तड़का में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या लेके आई हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी सूरन की रेसिपी लेके आई हूँ। सूरन, जिसे कई जगह ओल बोला जाता है, कहीं पर इसे जिमीकंद बोला जाता है। ये खाने में बहुत ही जायकेदार होते हैं, दिखने में ये बिल्कुल नॉनवेज की तरह बनते हैं और टेस्ट भी इनका बिल्कुल नॉनवेज की किसी एक अच्छी सी रेसिपी की तरह होता है जो मसाले में बढ़िया तरीके से बनाई गई हो। यूपी और बिहार के कई घरों में दिवाली और करवा चौथ पर ये ज़रूर बनाई जाती है और साथ ही साथ होली पे नॉनवेज के साथ एक वेज का विकल्प रख के इसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही बढ़िया चटपटे मसालेदार होते हैं। तो चलिए, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ अपनी रेसिपी, जिसमें मेरा अपना खुद का तो स्टाइल है ही है, साथ ही साथ इसमें देसी वाला तड़का भी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूरन मीडियम साइज़ में कटे हुए, और इसके साथ लेंगे हम सरसों का तेल, नमक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, जीरा पाउडर, हल्दी, आमचूर, अदरक का पेस्ट, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया बारीक कटी हुई, चिकन या मीट मसाला, कुछ खड़े गरम मसाले और दो खड़ी लाल मिर्च के साथ तेजपत्ता। तो सबसे पहले हम प्याज का पेस्ट बना लेंगे और टमाटर को हम बारीक काट के रख लेंगे, और इसी के साथ लहसुन और मिर्च को भी पीस के इनका हमें पेस्ट बना लेंगे। खड़े गरम मसालों में जो हमने लाल मिर्च ली और तेजपत्ता लिया है, इन दोनों को छोड़ के बाकी के सारे खड़े गरम मसालों को हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे खड़े गरम मसाले में मैंने लिया हुआ है 3 से 4 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, करीबन 9 से 10 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग ली हुई है। तो इन सारी चीज़ों का आप एक फाइन पाउडर बना लें या फिर पेस्ट बना लें। तो सबसे पहले मैं आपको सूरन को हम कैसे काटेंगे ये बताऊँगी। तो ये रहा सूरन, जो कि करीबन 500 ग्राम है। तो हम इसके जो छिलके हैं इन्हें निकाल लेंगे। सूरन के ऊपर और अंदर की ओर भी जो स्किन होती है, हम इन सारी चीज़ों को चाकू की हेल्प से अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मैं इसके छिलके बाहर कर रही हूँ, आप भी ठीक इसी तरीके से छिलके निकाल लीजिएगा। आसानी से छिलके निकल जाते हैं और सूरन बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। सब्जी वाले भैया बता देते हैं कि फ्रेश है या नहीं, और कभी कभी जो कुछ सूरन होते हैं वो थोड़ा सा हाथों में इचिंग करते हैं या लगते हैं, तो उसके लिए आप हाथों में सरसों का तेल लगा के इन्हें काटें। अगर जैसा कि मैंने कहा, सब्जी वाले भैया से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि सूरन काटने वाला है या नहीं। छिलके निकालने के बाद मैंने सूरन को मीडियम साइज़ पीसेस में कट कर लिया है। सारा सूरन काटने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम सूरन को उबालेंगे। तो इसे उबालने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और उसमें मैंने सूरन को डाल दिया है, और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से सूरन के अंदर जो इचिनेस होता है, यानी कि खाते समय कभी कभी कुछ सूरन गले में लगते हैं, तो वो चीज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे उबलने के लिए बिठा दिया है और मैं इसे उबालूंगी करीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये 40% तक पक ना जाए। अच्छी तरह से उबालने के बाद मैंने इन्हें छान लिया है और एक बार मैंने इन्हें नॉर्मल वाटर से धो लिया था, वॉश कर लिया है। तो ये देखिए, हमारे अच्छे से उबले हुए सूरन के पीसेस तैयार हैं। ये थोड़े से पक चुके हैं, 30 से 40% ही इन्हें हम पानी में उबालेंगे। तब हम तेल गर्म करेंगे और इसमें सबसे पहले हम सूरन के पीसेस को फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, मैंने सूरन के पीसेस को फ्राई करना शुरू कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे आप आराम से इसे अच्छी तरीके से अलटते पलटते चलाते हुए फ्राई कर लीजिएगा। डीप फ्राई करना है, फ्लेम हाई मत कीजिएगा, अदरवाइज सूरन ऊपर से बहुत लाल हो जाएगा और अंदर से वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा। तो ये देखिए, फर्स्ट बंच एकदम तैयार हो चुका है। तो मैं इसे अब निकाल लूँगी और ठीक इसी तरीके से मैं बाकी के जो सूरन पीसेस हैं उन्हें भी डीप फ्राई कर लूँगी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ समय के लिए अचानक से लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वीडियो क्लैरिटी आपको थोड़ी सी साफ ना मिले। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने पूरे के पूरे सूरन के पीसेस को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। कितने बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्पी सूरन के पीसेस फ्राई हुए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ जीरा, तेल अगर ज़्यादा हो तो आप निकाल लीजिएगा, और साथ में डालेंगे हींग, खड़ी लाल मिर्च और तेजपत्ता। तो जब हमारा जीरा जो है हल्का सा लाल हो जाए, तो हम डाल देंगे हमारे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट,
साथ ही साथ अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें मिला देंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर पहले डाल देने से सब्ज़ी के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे हमारा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा अच्छी से क्वांटिटी में डालिएगा। और तैयार किया हुआ प्याज का पेस्ट, मसाले भुन चुके हैं यहाँ पे, तो मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एक सार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से अलट पलट के यानी कि चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और हम इसे बीच में चाहें तो ढक भी सकते हैं, तो मैं इसे लो फ्लेम करके ढक के पका रही हूँ। थोड़ी देर के बाद ये देखिए प्याज अच्छे से पक चुका है, इसका तेल जो है ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर के पीसेस। टमाटर और प्याज को हम अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े मसाले, तो जिसमें कि मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और चिकन या मीट मसाला, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो डालें। और साथ मिलेंगे हमारे गरम मसालों का पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। गरम मसाले की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा, इसी की वजह से सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तब सारी चीज़ों को हम एक सार कर लेंगे और अब हम इन्हें भी आराम से पकाएंगे। तो साथ ही साथ मैं डाल दूँगी नमक ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और अब हम इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक के पलटते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये देखिए करीबन 7 से 8 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से मसाले पक चुके हैं, इनके किनारे पे तेल आ चुका है, यानी कि मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे हमारे फ्राई किए हुए सूरन के पीसेस और इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मसालों को सूरन में आप कोट कर लीजिएगा। और साथ में डाल देंगे आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे भी हम दोबारा से आमचूर पाउडर डाल रहे हैं। आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी है इसे चटपटा बनाने के लिए। और अब हम यहाँ पे सूरन को मसाले के साथ अच्छी तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो करीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई किया है। और उसके बाद अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़े गल जाएँ। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर फिर से तेल आ चुका है, यानी कि सूरन भी जो है वो मसालों में अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कितने बढ़िया से सूरन ने मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है। इन्हें मैंने ढक के करीबन 6 से 7 मिनट तक पकाया है। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी ग्रेवी लगाने के लिए। तो मैंने करीबन 1.25 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और इसे भी मैं अच्छी तरीके से दोबारा से एक बार मिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ साथ अब हम अपने सूरन में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। मसालेदार सब्जी में धनिया पत्ती डाल के पकाने से सब्जी का स्वाद दुगना तिगुना हो जाता है, उसका एक बहुत ही बढ़िया हरी धनिया का स्वाद आ जाता है उसके अंदर। तो अब हम इसे भी ढक के आराम से करीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद कितनी बढ़िया तरीके से ये पक चुका है, तैयार हो चुका है। चलिए चेक करते हैं कि हमारे सूरन जो हैं वो पक गए हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सूरन का जो एक पीस है वो कट करके दिखाऊंगी। तो मैं फोक की हेल्प से चेक करूंगी कि सूरन जो है वो पक चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं फोक को सूरन में एंटर कर रही हूँ। ये देखिए कितनी ईजीली ये इसमें चला गया, यानी कि ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। एक बार हम इसे कट भी करके देख लेंगे। तो ये देखिए कट भी गया। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। हमें ध्यान रखना है कि जो सूरन के पीसेज हैं वो अच्छी तरीके से खड़े खड़े ही दिखने चाहिए ग्रेवी में, ये कहीं ग्रेवी में घुल ना जाए ओवर कुक होने की वजह से। तब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और चलिए इनकी सर्विंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए मैं यहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सूरन की सब्जी, इसे ओल कहें या जिमीकंद कहें जो भी कहें आप। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है दिखने में, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। तो यकीन मानिए सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और आप भी इसी तरीके से बनाएं तो आपकी सब्ज़ी भी इतनी ही टेस्टी बनेगी। इसे खा के ना आप नॉनवेज को एक बार भूल जाएंगे। इसके अंदर जो गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही निखर के आता है। इस सब्ज़ी का स्वाद गरम मसाले की वजह से ही बहुत बढ़िया आता है। और अब ठंडियाँ आ रही हैं तो ठंडियों में तो गरम मसाले में बनी हुई सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। साथ ही साथ जो जिमीकंद है, जो सूरन है, ये ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किस
क्योंकि इसके अंदर गुड गुड बैक्टीरियाज होते हैं और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बहुत से तो फ़ायदे ही हैं। और साथ ही साथ घर में पार्टी जब हो तो वेजिटेरियन लोगों के लिए आप पनीर की जगह एक बार सूरन की सब्ज़ी बना के देखिए, आपके जो मेहमान हैं ना आपकी तारीफ़ करते रहेंगे और वो पूछेंगे ये क्या है और कैसे बनाया आपने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए।